अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। कहते हैं जी आज के दिन की शुरुआत वही जगह है जहाँ कल मैंने आपको दिखाया था कि बर्फ़ थी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और गाड़ी बड़े आराम आराम से चल रही थी। तो देखें आज जनाब सारी बर्फ़ पिघल गई है क्योंकि बारिश रात से लगी हुई है और इतनी बारिश थी कि अभी तक स्टिल इतनी ज़्यादा बारिश है कि बर्फ़ का तो नामो निशान भी खत्म हो गया। सेम लोकेशन देखें माशाल्लाह बर्फ़ से भरी हुई है स्ट्रीट, देखिए माशाल्लाह सारी बर्फ़ ख़त्म। तो चले आए चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं। मैं बेसिकली एक जगह जा रहा हूँ जहाँ मैंने कुछ चीज़ ऑर्डर की हुई थी, आज पिक करना है, कलेक्शन दिया है, क्योंकि दो तीन दिन से उनके पास पड़ी हुई हो। तो आपको भी आपको लेकर चलते हैं, साथ दिखाते हैं। बारिश बहुत तेज़ है यार। चले आए जनाब चलते हैं। चले सर, आ गए हम उस जगह पर जहाँ मैंने एक ऑर्डर किया था। ये है ऑर्गस। ऑर्गस में मैंने ऑर्डर किया था बेसिकली दरूद अवैसिया। दरूद अवैसिया माशाल्लाह मैंने अपने घर में लिविंग रूम जो रूम है हमारा उसकी दीवार पे प्रिंट आउट करना था उसको, तो ऑर्डर किया था कलेक्शन के लिए। मैंने फिर ये वाली जगह दे दी थी कि मैं इधर से कलेक्ट करूँगा, आगे क्लिक एंड कलेक्ट यहाँ से करूँगा। तो अभी चलते हैं अंदर जाके देखते हैं, लेते हैं उनसे। दो तीन दिन से आ चुका हुआ, मुझे मैसेज आया था ईबे के थ्रू, मैंने मंगवाया था उसको, तो दो तीन दिन पहले कलेक्ट की ऑप्शन आई थी कि आप जाके पिक करें। तो बस अभी चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद आपको जाके दिखाते हैं। नेक्स्ट में मैंने कोई शॉपिंग करनी है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फिलहाल पहले ऑर्गस में चलते हैं। ऑर्गस में अभी यहाँ पे एक बार कोड दिखाना पड़ेगा। राज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए, ठीक है आपकी? ये जी ऑर्गस, तो अभी ऑर्गस से लेते हैं। देखें फिर यहाँ पे ईबे का काउंटर होगा, इधर इनको दिखाएंगे बार कोड, तो फिर इंशाल्लाह लेते हैं इनसे। यहाँ पे चलते हैं, इनको बार कोड दिखाएंगे तो फिर लेंगे। हेलो जी, SCS सोफ़ा एंड कारपेट स्पेशलिस्ट हैं ये। इनसे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें सोफ़ा आ जाता है, बेड आ जाता है, कारपेट आ जाता है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त सोफ़ा पड़ा हुआ ये। हेलो, आई एम जस्ट लुकिंग फर्स्ट। या ये बड़ा ज़बरदस्त सोफ़ा, वैसे मेहनत कुछ इसी तरह का ही मैंने, नाइस लग रहा है इसके साथ। आई थिंक ये थ्री सीटर है, साथ इसके वन सीटर ही है, साथ वो फुट स्टैंड भी है इसके साथ। ये कॉर्नर सोफ़ा भी पड़ा हुआ है, ये देखिए पूरा सेट ये भी लगा हुआ है। और ये सारा मोस्टली कॉर्नर के लिए, मैंने कॉर्नर सोफे नहीं लेने, डाइनिंग टेबल भी देखे इनके पास। ये सारे मोस्टली ना कॉर्नर सोफे हैं, पर मुझे जो लेना है वो थ्री सीटर और थ्री सीटर, यानी कि दो थ्री सीटर चाहिए मुझे जो मेरे लिविंग रूम में इजीली सेट हो जाते हैं। बड़े प्यारे सोफे हैं यार माशाल्लाह। मुझे वैसे जो लेने भी, वो लेने भी कपड़े वाले हैं, लेदर के वैसे भी पसंद नहीं करता। कंफर्टेबल जो है मुझे जो है ना ज़्यादा कपड़े वाले अच्छे लगते हैं। ज़बरदस्ती देखें, ये सारे लेदर के सोफे पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा मोस्टली मैं देख रहा हूँ सारे कॉर्नर के सोफे ही हैं, स्टेट इन्होंने बहुत कम रखे हैं। ये इस देखें, ये आ गया साइड पे, स्टेट वाले भी इस साइड पे हैं, ये देखें। पर फिर भी बात है, ये भी लेदर है, हल्का सा राउंड में है ये। ये थ्री सीटर ये हो गया, ये टू सीटर और वन सीटर फुट स्टेप रखने के लिए सारा ट्राइंग, काफ़ी अच्छा प्यारा सेट बना हुआ है। अच्छा जी, इसकी प्राइस 1000 की है, 1000 पाउंड का ये वाला, वो भी इन्होंने डिस्काउंट करके लगाया हुआ है। पहले 1350 का था। तो यार मैंने जो लेना है हम तो अपना देखते हैं ना, जो चीज़ हमारे लिए सूटेबल है। अच्छा, इन्होंने कारपेट के लिए सैंपल रखे होते हैं कि कौन सा आपको कारपेट पसंद है, फिर उस हिसाब से आप को लगा देते हैं, घर पे आके फिट कर जाते हैं ये। देखिए माशाल्लाह सलाम। अच्छा भाई, वो जो ब्लैक वाला सोफ़ा है उसकी प्राइस, ये यानी टू सीटर है ना वो, ये जो सामने पड़ा हुआ है, थ्री सीटर, थ्री एंड वन,
300 pounds, just only for 3-seater. Yeah. Cheaper than 300 pounds, ठीक है. Yeah, but it's foam seats, it's 389. Okay. I'm talking about for this one. अच्छा ये 300 pounds का ठीक है यार, बड़ा रीजनेबल है ये. अच्छा मैंने समझा था थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, मगर बेहतरीन फिट है यार, ज़बरदस्त है ये. अच्छा खाली एक ये 300 का है, ऑफ कोर्स इसकी प्राइस डिफरेंट होगी, इसकी प्राइस ये सारा इंक्लूड करेंगे तो ये बात फिर काफ़ी ऊपर चली जाती है, मगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी प्राइस में दे रहे हैं. 300 में खाली एक ये सोफ़ा, 300 पाकिस्तानी अराउंड बनता है कोई 50,000 रुपया. तो ये वाला सोफ़ा भी ठीक है, यानी सेट अच्छा है मेरे हिसाब से. 300 अगर इसने ये कहा है तो 100 या 150 का ये होगा, अराउंड टोटल 500 pounds में पड़ेगी ये तीनों चीज़ें, मगर ठीक है, खूब ज़बरदस्त है, मज़ेदार है. अच्छा ये भी सीट अच्छी के साथ की है, ये मूविंग के मूविंग चेयर है. हाँ ठीक है. ये देखें मुझे ना ये सोफ़ा ज़्यादा अच्छा लगा है, सोफे से ज़्यादा लेदर के इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में देख रहा हूँ, लेदर की ही है, लेदर में ज़्यादा सेल आउट करते हैं ये. ये डाइनिंग टेबल हो गया, ये भी हो गया. अच्छा ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इनके पास कॉर्नर सोफे ज़्यादा हैं, मगर मैं क्वालिटी वाइज बताऊँ तो क्वालिटी वेरी गुड क्वालिटी इन लोगों की, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनसे पहले सोफे ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो तकरीबन 3-4 साल बाद हम लोग चेंज करते हैं, मगर 3-4 साल बाद भी ख़राब नहीं होते, सिर्फ ये कि हम ज़रा बोर हो जाता बंदा, फिर कहता चलो यार चेंज कर लें, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ता है. फिर जैसे घर में समझ लें कि अगर आपने वॉलपेपर लगाया है या पेंट किया है तो उस हिसाब से आप फिर अपने सोफ़ों को भी कलर में चेंज कर देते हैं. अच्छा एक देखें ये भी, जैसे वो नीचे ब्लैक में पड़ा हुआ है, इधर ये इस कलर में पड़ा हुआ क्रीम कलर में ऑलमोस्ट. सोफे ऊपर भी हैं, आप ऊपर भी ले चलते हैं, दिखाते हैं ऊपर वाला हिस्सा भी सारा. ये भी अच्छा सोफ़ा यार, ये बड़ा प्यारा, ये भी 3-seater है और 2-seater, ये पूरा सेट है 3, 5 और 6 बंदों के लिए. ये देखा ना बड़ा प्यारा सेटअप है इनका माशाल्लाह, हर किस्म का ना लिविंग का ना लेदर सेटअप बनाया हुआ है. कहाँ पे लिविंग में कैसे सोफ़े लगेंगे, अच्छे लगते हैं, कौन सा कुछ कैसे सूटेबल है. ये ब्लैक कलर में फिर जैसे वो नीचे देखा हमने, मगर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, इसके साथ लेदर मिक्स किया हुआ इन्होंने. ये देखें ये भी नाइस है यार. अच्छा इधर एक एडवांटेज बहुत अच्छा होता है कि आप इनको किस्तों में भी ले सकते हैं. देखिए 20 pounds अ मंथ जो सोफ़े की प्राइस है उसके 20 pounds अ मंथ, इसको 0% APR यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है ये सारा. जो इसकी एक्चुअल प्राइस होगी मिसाल अगर 500 है तो उसको किस्तों में दे देंगे इनको 20 pounds, 30 pounds करके. ये देखें जी क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह सोफ़ा कम बेड आई थिंक सो, ये सोफ़ा भी बन जाता है, बेड भी बन जाता है. ज़बरदस्त ये कितना प्यारा सोफ़ा है. सोफे सोफे यार इस पर दिल आए. चलो नीचे एक सोफ़ा देखा है उसको चेक करते हैं, उनसे बात करते हैं सोफे के बारे में. अस्सलाम वालेकुम. नीचे एक सोफ़ा देखा था उसके बारे में पूछना चाहता था आपसे. आई थिंक बिजी है थोड़े से वो, नीचे आप चल सकते हैं सर. ओके Hello, sir. Hello. How can I help you? I see the sofa there. It's black. My colleague not help assisting you at first, no? No, he's busy, I think so. ये जी चलते हैं इनसे सोफे के बारे में पूछते हैं. Which price do you want to fall, sir? That one. And which is one 3-seater? 3-seater one, yeah. So, we do 2 different options for this. Okay. One with fibre.
Okay. One with foam in the interior filling. Okay. This one's already got the foam in it, so that will be not 299, it'll be 389. This is a 389? Yes, with the foam upgrade in the cushion. Okay. If you go for the fibre, the last 6 months, but you can have it for... This is a fibre one? Yes. And this okay. is brand new in. It feels nice at first, but just like your pillows, it'll go flat and hard, you know. Okay. What's the difference for the price? This is for 380? 389. 389? Yes. And fibre one? It's 299. 299. Fibre one is a cheapo. Yes. And this come with a warranty as well? You get standard 1 year. Okay. But we give you 20 years on the frame, but you can also upgrade it so that the whole fabric is covered for 5 years. 5 years. But that works out. If you're ready to, when you're ready to order, we'll work out the price. And you can deliver as well for same price for 299? No, it has to, 69 delivery has got to be added onto that as well. Delivery charges are different. Yeah, 69. If you get one chair or one footstool, it's 69. Okay. If you buy five of these, it's 69. It's the same price. Same price. Yeah. And if I took this one as well, with the same, how much is the total? In this colour, yes? Yeah. With foam seats or without? Foam seats, yeah. So it's 389. It's a new model, this. I haven't been in all week, so... This is a 299? 389. 389 with the foam one? Yes, 389 with the foam. Foam one, okay. And 309 for the chair. 309? Okay, chair price just only for 309. Yeah. Chair is expensive anyway. No, it's the three seats cheap. It makes it seem like it's expensive, but it's not. It's because most people want a three and a two, and they can't afford. So if this was £600, people would just get a chair, and it's not fair. So SCS, nobody else does sofas at this low price. I understand. If you look at the adverts... I know that, your prices are very cheaper. I looked on YouTube, just look at the old SCS adverts, and 10 years ago, 20 years ago, the price was the same. Yeah, of course, I know that. I know that. So, yeah. Thank you so much for information. You're welcome. So if you need anything else, just let me know. Yeah, thank you. Thank you for information. Thank you very much. जी ये सोफ़ा मैंने बताया कि जी 389 है यानी कि 390 पाउंड का मिलेगा फोम वाला. अगर थोड़ा सा लो क्वालिटी चाहिए तो लो क्वालिटी में अगर फ़ायदा कोई नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है. तो इसी के बारे में फिर मेरा ख्याल डिस्कस करते हैं घर वालों से. मुझे अच्छा लगा ये वाला. एक साल की वारंटी बता रहे हैं, उसके अलावा 5 साल की वारंटी हम बाय कर सकते हैं. डिलीवरी पर उन्होंने कहा जी कि डिलीवरी वाइज इसको अच्छा ये देखना पड़ा, बकायदा लिख के लगाया हुआ इन्होंने 299 का जो चीपर है, जिसमें फॉर्म नहीं होगा, दूसरा होगा. ये फॉर्म वाला जो है ना थोड़ा अच्छी वाला. चलें चलते हैं. थैंक यू वेरी मच, सी यू सून. थैंक यू वेरी मच. ले जी सोफ़े भी देख लिए हैं, तो अभी आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट में. नेक्स्ट में बेसिकली कुछ शॉपिंग वगैरह के बारे में सोच रहा था, कि जैकेट वगैरह, क्योंकि कुछ प्लान बन रहा है कहीं जाने के लिए, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी फ़िलहाल देखते हैं शॉपिंग के रिलेटेड क्या क्या चीज़ मिल सकती है मेरे मतलब की वहाँ से. इस एरिया का ये फ़ायदा, इस जगह का नाम है फोस्टर्स के. मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ. इधर सारा वो देखे आजरा है, टीके मैक्स है, ये सोफे वाली हो गया. ये ट्रैवल के लिए कहीं यूरोप में ट्रैवल करना हो तो इनसे हम टिकट वगैरह बाय कर सकते हैं. इनके अपने जहाज़ होते हैं टी वी वाई के. ये आर्गस तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. अच्छा ये भी सामने ड्रीम्स वाले भी, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी बेड और सोफ़ा वगैरह करते हैं. कि बेड बड़े अच्छे हैं, इनकी भी सेल हैं आजकल लगी, 50% ऑफ लगा हुआ इनका भी आजकल. बेड बहुत ज़बरदस्त लोगों के पास यार, इनके मैट्रेस बेड होते वेरी एक्सपेंसिव हैं. अगर हाफ प्राइस में भी होंगे तो कम से कम 1000 पाउंड से कम नहीं होंगे. यानी कि अगर एक्चुअल प्राइस पे जाएंगे तो 2500 पाउंड, 2000 पाउंड, तो हाफ कर लेंगे तो 1200 पाउंड पे चली जाएगी बात. तो इतना कोई सस्ता नहीं है. फिलहाल अब भी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं. ये है जी नेक्स्ट. अच्छा ये आई थिंक ये सारा लेडीज सेक्शन है. ये इधर चाइल्ड किड्स का, बच्चों का, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए. तो मेरे काम की जो जगह आई थिंक वो ऊपर है, क्योंकि अगर तो यहाँ पे तो अगर हम आते हैं अपनी मिसिज़ के साथ तो फिर वो उन्होंने नीचे घूमना, फिर नीचे देखने की जैकेट. ये आजकल ये बड़ी फेमस हुई हुई जैकेट हैं, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है जैकेटों का. ये लेडीज जैकेट है, नहीं भाई आपको ये पहले बता दूँ, लॉन्ग जैकेट हैं यहाँ पे. तो मोस्टली आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है भाई. अपना ट्रेंड देखते हैं कि बॉयज़ में और जेंट्स में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमने वो देखना है. लेडीज़ वाला सिस्टम हमारे पास अभी ज़रूरत नहीं है. अच्छा ये भी मज़े की बताऊँ, ये भी ये देखो यार, ये एक सोफ़े की प्राइस सिर्फ 1500 पाउंड है. ये ऊपर चलते हैं जी, देखते हैं जेंट्स सेक्शन में जाके कि हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी है इनके पास अवेलेबिलिटी, वो चेक करते हैं. फिर डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी पे है कि अल्लाह करे जो चीज़ मुझे चाहिए वो नज़र आ जाए और फिर इनसे बाय कर लीजिए. नेक्स्ट का मज़ेदार काम भी है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार.
कोई बात आ जाती है कि ख़राब नहीं होती, समझने के फेंकनी पड़ जाती है चीज़, ख़राब नहीं होती। जैकेट चेक करें यार, कि क्या ज़बरदस्त जैकेट है, वेरी नाइस। मैं मोस्टली जो कपड़े यूज़ करता हूँ नेक्स से बाय करता हूँ, और जेडी से और H&M से, क्योंकि मोस्टली जो मेरे फेवरेट साइज वाइज और जो इनके डिज़ाइन होते हैं ना, मुझे पसंद आते हैं, बड़े सोबर से, बड़े डिसेंट से हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो जैकेटें लगी हुई हैं सारी, ठीक है। ये भी जैकेट यार 65 पाउंड की रीजनेबल है, बड़ी अच्छी जैकेट है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ आपको कि दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो कपड़े देख रहे हैं, जो प्राइस देख रहे हैं, ये सब हाफ प्राइस, बल्कि हाफ से भी नीचे आ जाती हैं। इनकी बॉक्सिंग डे सेल होती है, वो लगाते हैं दिसंबर के एंड में। तो जनाब फिर आप सोचें कि जितनी कुछ भी है, जैसे वो 65 पाउंड की जैकेट थी, और यही जैकेट ऑलमोस्ट हो सकती है ना 30 पाउंड की लगाई हो, या इससे भी कम लगाई हो, तभी तो सारा फ्रेश आया हुआ, स्टॉक वगैरह हर चीज़ फ्रेश है। तो एंड ऑफ ईयर जाके ये फिर काफ़ी स्टॉक जो है ना वो सेल पर लगा देते हैं। तो मोस्टली लोग शॉपिंग करते हैं हाफ प्राइस पे, और जिन लोगों ने आगे पीछे लेना तो लेते हैं, फिर प्राइस को उतनी ना देखते, जो चीज़ लेनी हो लेनी है भाई, प्राइस अलग है मामला इसमें। क्या जो जैकेट मुझे चाहिए थी और फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही हूँ जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे भी, ये सारा इन्होंने होम फर्नीचर रखा हुआ है, सोफे भी हैं इनके पास, ये कपड़ों के साथ साथ होम फर्नीचर भी सेल करते हैं, पर्दे भी इनके पास होते हैं। उसके अलावा इनके पास, हाँ देखिए ये सोफ़ा, वही स्टाइल वही है, कलर डिफरेंस है, कलर डिफरेंट है इसका। ये जो उधर मैंने अभी ब्लैक कलर का देखा ना, ये वो चीज़ है। तो ये देखें जी, सारे बर्तन वगैरह भी इनके पास, हर किस्म के किचन का सामान मिलेगा। इस पूरा पूरा प्लेटों का सेट देखें, 50 पाउंड का लगा हुआ है। इनके पास लगा हुआ है 725 का, और ये देखिए ये भी कह रहे हैं कि 28 पाउंड मंथ में ले सकते हैं हमसे आप बगैर, और नहीं सॉरी भाई, ये बेड की प्राइस नहीं है, ये तो है आई चेस्ट ड्राइव की, इसकी चेस्टर की है यार, ये तो चेस्ट ड्रॉर। अच्छा अच्छा अच्छा, 725 भाई, ये बहुत महंगा है ये तो, इस हिसाब से चेस्ट ड्रॉर इतना महंगा लगा रहे हैं। ये देखें जी, ये बेड भी इनके पास है, सिर्फ चेस्ट ड्रॉर इनका लगा हुआ 725 पर। सिर्फ ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ जो आगे लगा हुआ है ये 725 पाउंड का है, पर महंगा यार ये, बहुत महंगे हैं। तो फिर बेड कितने का भाई, बेड की प्राइस इन्होंने लगाई कोई नहीं भाई। साइड टेबल देख रहे हैं, बेड साइज 350 की है, मगर बात वही आ जाती है मटीरियल की, मटीरियल अच्छा है ना यार, असल बात है मटीरियल के ऊपर, लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़। रग्स, रग्स ठीक है यार, 95 पाउंड ये रीज़नेबल लगा हुआ है। मैंने अभी दो रग लेने हैं, एक लिविंग रूम के लिए और एक अपने बेडरूम के लिए, जो सारे 95 पाउंड ईच के हैं, ठीक है रीज़नेबल प्राइस में। ये लाऊंगा घर वालों के साथ, तो फिर उनको दिखाऊंगा पसंद करके, जो उनको पसंद आएगा फिर वो लेके जाएंगे ना। घर की जो शॉपिंग होती है ना, कोशिश करनी चाहिए कि मिसिस की पसंद की हो, क्योंकि घर की मालकिन वही है जनाब, जो घर के मालिक हों उनसे पूछ के चीज़ लेनी चाहिए ना। ये देखें जी, मुझे तो ये पता है कि मैंने कपड़े कैसे ख़रीदने अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की मोस्टली शॉपिंग मैं खुद करता हूँ। नहीं जी, ऊपर मुझे पसंद कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरे मतलब की जो जैकेट में लेने आया था वो जैकेट मुझे नज़र नहीं आई। तो फिर चलते हैं यहाँ से फिलहाल, क्योंकि अभी मैं अपने ऑफिस की तरफ भी जाना, आज संडे है, संडे मैं ऑफिस ओपन करता हूँ 12 o'clock, टाइमिंग 12 o'clock की थी। चलो मैंने सोचा कि टाइम है मेरे पास, क्यों ना पहले वो पिकअप कर लिया जाए जो कलेक्ट करना था। तो फिर उसके बाद अभी विंडो शॉपिंग समझने हो गई मेरी, विंडो शॉपिंग की है बच्चों का, यार बड़ा अच्छा सेटअप है इनके, बच्चों के भी कपड़े बड़े अच्छे होते हैं इनके पास। ये 26 पाउंड की शर्ट लगी हुई है,
बच्चों के कपड़े वेरी नाइस हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, लाहौर में तो है, ये मॉल ऑफ लाहौर में, तो यहाँ पे भी, मगर ये कि यहाँ पे फिर भी पाकिस्तान से बनस्बत सस्ता ही होगा, क्योंकि यूके में कि हमें पाउंड में इतना फील नहीं होता ऑनेस्टली, 10 पाउंड 15 पाउंड 20 पाउंड इस एवरेज पे हम कुछ चीज़ बाय करते थे, इतना फील पाकिस्तान में जब देखा मैंने जाके 5,000 6,000 10,000 इस रेंज में यानी कि चीज़ें मिल रही होती हैं, तो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव लगती हैं यार, कि यार अगर हम कन्वर्ट भी करें पाउंड के हिसाब से भी फिर भी वो महंगी होती हैं पाकिस्तान, लाजमी पता है यार उन लोगों ने अपना टैक्स वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है, तो उस लिहाज से वो अपने प्राइस रखते हैं। चलें जी चलते हैं बाहर, बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है यार, बारिश के मामला ऐसे ही हैं, बारिश ना हुई तो फिर इंग्लैंड तो ना हुआ, तो देखे ना बारिश, वो सामने मेरा फेवरेट कोस्टा भी है, वो सारा देखते हैं, पर चलते हैं फिर, चलते हैं घर की तरफ, बल्कि सॉरी ऑफिस की तरफ। तो लें जनाब फिर आपको मैंने व्यू करवाया आज आर्गस का और नेक्स्ट का, विंडो शॉपिंग नेक्स्ट में कर ली, आर्गस से मैंने जो कलेक्ट करना था वो कलेक्ट किया है, अभी चलते हैं घर अपने ऑफिस की तरफ, तो फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस भी, आए फिर चलते हैं।